हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉल मी पांडे जी। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ना ही कोई जॉब के बारे में, ना ही किसी वैकेंसीज के बारे में, ना ही किसी कंपनी के बारे में। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस बारे में बात करने वाला हूं। एक्चुअली मैंने HCL क्विट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्विट किया। और ये क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया ये भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप ट्राई कर रहे हो HCL के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो HCL कंपनी, तो बिल्कुल ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप HCL से जुड़ने वाले हो तो। ठीक है, मैं किसी भी कंपनी का कुछ भी गलत या ड्रॉबैक नहीं बताऊंगा, मैं जो भी बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी को बदनाम, मतलब जिसमें मैंने 2 साल 2.5 साल दिया उसके उस कंपनी के बारे में कभी गलत नहीं बोलूंगा। बट जो भी मैं बोलूंगा वो फैक्ट बोलूंगा और उसी की वजह से मैंने रिजाइन किया ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों बात है 1 साल पुरानी, अभी से 1 साल या 1.5 साल बोल सकते हैं पुरानी, जब मैंने HCL ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है HCL में, क्योंकि मुझे खुद को इतना प्रॉब्लम होता है। HR कॉल्स पिक नहीं करते, अगर आपने इंटरव्यू के लिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, अगर हो गया इंटरव्यू तो कोई फॉलो अप नहीं, 1-2 महीने लग जाते हैं, HR कभी कॉल नहीं उठाते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप भी ये फेस कर रहे हो, तो कमेंट करो क्या ये बात सच है कि नहीं। HCL के HR फोन नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। सो आप एकदम सोचते रहो करना क्या है, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम है इसका, और ये फैक्ट है, ये मेरे साथ भी हुआ। बस यही रीजन था कि मैंने वीडियो बनाना शुरू किया HCL के ऊपर, ओके, और प्रोसेस के ऊपर बेसिकली, कि बहुत सारे बच्चे थे जिनको प्रॉब्लम था, तो मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया कि इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि HR रिप्लाई नहीं देते HR ना कोई मैसेज का रिप्लाई देते, ना ही कोई कॉल का रिप्लाई देते। सो कोई तो आएगा सामने, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, मैंने मेरे प्रोसेस को ही बताया है जो हुआ मेरे साथ HCL में, जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, जो भी प्रोसेस है सिलेक्शन का, वही बताया मैंने कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से नहीं किया, मैंने बस उतना बताया, उसी के लिए वीडियो शुरू किया था। दूसरी बात, करीब 1 साल तक चला, फिर मेरे बहुत सारे वीडियोज वायरल हो गए, और वायरल होने के बाद वो उनके HR के पास गए, तो उनके HR के तरफ से मुझे बुलाया गया और मुझे बोला गया कि आपके चैनल पे जो भी वीडियोस है HCL से रिलेटेड वो डिलीट कर दो। या दोस्तों सच बता रहा हूं, आपने ये देखा भी होगा कि मैं करीब 1 साल से पर्टिकुलर HCL के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वर्सेंट के ऊपर बना रहा हूँ, इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे ये सब बता रहा हूँ, बट जैसा मैं पहले बनाता था HCL के ऊपर वो नहीं बना पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज उन्होंने डिलीट करने को बोला था और एक लेटर भी लिया था कि आप HCL के ऊपर नहीं बनाओगे जब तक आप हो HCL में। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाया था, बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाया था, उसके बाद उन्होंने डिलीट करने को बोला, तो क्या लगता है आपको मैंने डिलीट किया होगा? जी बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसको प्राइवेट में कर दिया था और वो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही सब वो वीडियो है, करीब 3 से 4 या 5 वीडियो थे टोटल, तो आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट करो। मैंने सारे वीडियो को पब्लिक कर दिया क्योंकि मेरे को कोई डर नहीं है, किसी भी HR का डर नहीं है लिटरली, और जो मैंने बताया है वो फैक्ट बताया है, बिल्कुल ही फैक्ट बताया। अगर कोई बोलता है कि गलत है तो चैलेंज है उसको। मैंने फर्स्ट करियर के बारे में बताया कि उसमें इतने पैसे लगते हैं, कोई बता दे कि पैसे नहीं लगते, और ये मैंने उनके वेबसाइट से ही डेटा कलेक्ट करके बताया यार, मैंने पर्सनली कुछ नहीं बताया, उनके जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनसे ही जो डेटा है वो कलेक्ट किया और वही बताया, मैं अपने मन से क्यों बताऊंगा। सो आई चैलेंज ऑन दैट, ओके, कि मैंने जो भी बताया एकदम सही बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ ये वीडियो देखो और समझो, ठीक है, क्यों डिलीट कराया गया। उनका रीजन था कि आप पैसे के बारे में क्यों बता रहे हो, जब वेबसाइट पे जाओगे तो काउंसलिंग के लिए एक डिटेल है, वो आप भरते हो तो काउंसलिंग काउंसलर का कॉल आता है, वो बताते हैं कि भाई हम इतने पैसे लेंगे, और मैंने पहले ही बता दिया, तो पैसे तो लगते हैं बट वो ऑनलाइन नहीं दिखाना चाहते, और ये रीजन था मेन। तो उन्होंने मतलब मुझे बोला डिलीट किया, मैं ऑर्गेनाइजेशन में था, मेरे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुरंत एक्शन नहीं ले सकता था, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो उसको देखते हुए मैंने वो डिसीजन लिया कि ठीक है डिलीट तो नहीं, प्राइवेट किया मैंने। ये था कि मैंने प्राइवेट किया जस्ट बिकॉज मैं डिलीट नहीं, इतना मेहनत बर्बाद नहीं करना था। मैंने बहुत वेट किया अच्छे अपॉर्चुनिटी का, आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटी, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने क्विट किया। और क्विट करते के साथ पहला स्टेप था मेरा वीडियो अपलोड करने का। वीडियो अभी लाइव है, आप लोग जाके देखो। और अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है HCL के सिलेक्शन को लेके, है ना, प्रोसेस को लेके, भाई ऑलवेज वेलकम, बिल्कुल पूछो, जो भी पूछना यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू क्वेश्चन, सब कुछ बताऊंगा बिना झिझक के, ठीक है। तो ये मेन रीजन था। दूसरी बात, HCL ने बहुत कुछ दिया, मैंने ऑलरेडी मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बताया हुआ है आपको, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लो, ठीक है। जो उसके बाद वाला रीजन था ना, वो नाइट शिफ्ट था। जी हाँ दोस्तों, नाइट शिफ्ट की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, लाइक मेरे हेल्थ को लेके, लाइक फैट वैट बढ़ गया, आई आंख के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स वगैरह बहुत सारे, फिर तबियत भी खराब होने लगी। तो बहुत कंट्रोल किया मैंने 2-2.5 साल, उसके बाद नहीं हो पाया। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि मैंने HCL छोड़ दिया। मेरा यही है कि मैं इस पे वीडियो बनाते रहूंगा, आप लोगों की मदद करते रहूंगा और हमेशा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू गाइज आर लाइक, आपने दिखाया मुझ पे भरोसा, तो मुझे भी तो दिखाना पड़ेगा ना। 2,500 लोग है मेरे चैनल पे अभी, और 2,500 लोगों को मैं ऐसे जाने तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये डिसीजन मैंने लिया। हाँ, टाइम लगा मुझे, 1 से 1.5 साल लगा ये डिसीजन लेने में, जस्ट बिकॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट मैं आपके सामने हूँ, और अभी मैं HCL में नहीं हूँ, और मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ बहुत अच्छे से हूँ, अच्छे पोजिशन पे हूँ। तो आपको मैं बोलता हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो, बट ज्वाइन करने से पहले यही सारी चीज़ें जो मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बताया वो देखो, वो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो यही एक बताना था, एक अपडेट देना था, ठीक है। और आप टेंशन मत लो, मैं HCL में नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको मैं वीडियोज नहीं दूंगा सेम कैटेगरी के, उससे अच्छे कैटेगरी का दूंगा, क्योंकि उसमें मैं बंधित था। बट अभी कुछ नहीं है, अभी फ्री हूं मैं, सो ऑलवेज प्रोवाइड यू द गुड यू नो इंटरव्यू टिप्स एंड ऑल, ओके। सो मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।